conversion.this. Welcome back in my YouTube channel. I hope कि आप लोगों को competitive coding में मज़ा आ रहा होगा and अगर आप लोग continuous रहिएगा तो आप लोग को और ज़्यादा मज़ा आएगा. आप लोग नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे and आज इसी सीखने सिखाने के सिलसिले के दौरान आज हम लोग competitive coding के अपने वीडियो सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं. आज हम लोग सीखेंगे कि कैरेक्टर और इंटीजर को आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं. बेसिकली हम लोग इसको डेटा टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं. ओके, नाउ इंटर कन्वर्जन ऑफ कैरेक्टर एंड इंट. पहले हम लोग बात करेंगे इंटीजर को कैरेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, मैंने फिर कल आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि हर कुछ एक कैरेक्टर होता है, चाहे वो इंटीजर ही क्यों ना हो. इंटीजर एक उसका सब कैटेगरी हो गया कि वो इंटीग्रल डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन बेसिकली कहीं ना कहीं एक मूल में जाके वो एक कैरेक्टर ही होगा. ओके, तो हम लोग इंटीजर को पहले कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे ना, फिर कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे. उसके लिए पहले इंटीजर पी लेंगे. मैं चलिए आपको कोड करके दिखाता हूँ. नाउ दैट्स इट. ओके, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक इंटीजर मानते हैं. पहले तो हम लोग लिख देते हैं इंटीजर टू कैरेक्टर कन्वर्जन. नाउ अब लोग इंटीजर मानते हैं पी, इसमें स्टोर करते हैं 23. ये एक इंटीजर है, एग्जैक्टली 23 का डाटा टाइप क्या है, इंट, तो एक इंटीजर हुआ. नाउ कैरेक्टर मानते हैं एक्स. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स बराबर यहाँ पे ब्रेसेस ओपन करेंगे, लिखेंगे कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है हम लोगों को, किस को, पी को. इस तरह से हम लोग पी को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिए और किस में स्टोर कर लिए, एक्स में. अब सी आउट करा के देखते हैं, सी आउट एक्स एंड एल. अब जो है 23 के करस्पॉन्डिंग जो आस्की कोड के अनुसार जो लास्ट लेक्चर में बताया था उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, आइए देखते हैं. 23 कहाँ गया, 23 इट्स अ ETB, एंड ऑफ ट्रांसलेशन ब्लॉक. तो एक तरह से मैंने तो इसे टेलीटाइप ले लिया. ओके, रन करते हैं. रन तो हुआ बट हमें वो दिखा नहीं बिकॉज वो एक टेलीटाइप था. तो आइए कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए देते हैं 43. ओके, नाउ रन करते हैं. हम 43 के करस्पॉन्डिंग क्या है, प्लस. ओके, देखते हैं 43 करस्पॉन्डिंग प्लस. यस, 43 के करस्पॉन्डिंग प्लस है हमारा. इट मीन्स ये किसी भी नंबर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो पी लिखेंगे 43, एक्स लिखेंगे जो कि जिसमें स्टोर करेंगे और फिर कैरेक्टर ऐसे ब्रेसेस के अंदर और पी. अब मान लेते हैं किसके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमने 431 ले लिए तो, बिकॉज हमने तो यही पढ़ा है 127 तक जीरो से आस्की कोड डिफाइंड है. तो चलिए रन करा के देखते हैं क्या होता है. तो ये हमारा कोड रन तो हो जाता है बट इस तरह का एक आउटपुट निकलता है जो कि हमारे काम का नहीं होता है. ओके, और बेसिकली क्वेश्चंस में हमारा मतलब होता है यूज़ करना, ना कि उसे ये देखना है कि एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है. हमें बेसिकली यूज़ 0 से 127 तक ही पढ़ने वाला है. ओके, आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा. अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टर के मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है, कैरेक्टर टू इंटीजर कन्वर्जन. ओके, इस बेसिस में क्या करेंगे, हम लोग एक कैरेक्टर मानते हैं. कैरेक्टर मान लिए कैरेक्टर एक्स बराबर. ओके, पहले हम उसको क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं. कैरेक्टर एक्स बराबर हम लोग करते हैं 56. ओके, नाउ इंटीजर पी रखेंगे. अब क्या करना है, पी डिफाइंड कर दिए हम लोग, पी में स्टोर करेंगे इस कैरेक्टर की वैल्यू को. तो पी बराबर अब यहाँ पे इंट लिखेंगे बिकॉज हम लोग को इंट में कन्वर्ट करना है. और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स. वेरी गुड, सी आउट पी एंड दैट्स इट. अब पी का वैल्यू क्या आएगा, आइए देखते हैं. पी का वैल्यू 56 आएगा जो कि आना था बिकॉज कैरेक्टर का जो आस्की कोड है वो हमने 56 दिया, हमने आस्की कोड लिख दिया 56. और 56
लिखा तो 56 बेसिकली मैं एक चीज़ आप लोग बता देता हूँ, जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर का मतलब यही होता है, बस कैरेक्टर का मतलब ही यही होता है, 0 से लेके 127 तक, डेट्स इट। कैरेक्टर का मतलब, लोगों के दिमाग में कैरेक्टर का मतलब मिसकंसेप्शन क्या रहता है, कैरेक्टर मतलब होता है अल्फ़ाबेट। लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन रहता है कि कैरेक्टर मतलब होता है अल्फ़ाबेट, जो कि गलत है। कैरेक्टर मतलब ये एक नंबर, इसे आप ध्यान रखिए, कैरेक्टर मतलब 0 से 127, ठीक है। और बात है कि दुनिया में हर कुछ कैरेक्टर है, लेकिन जो कैरेक्टर, जो ये डेटा टाइप है कैरेक्टर, जिसको उसका ऑब्जेक्ट है एस, ठीक है, ये एक्स में क्या स्टोर हो रहा होगा, ASCII कोड स्टोर हो रहा होगा। 56 हमने स्टोर करा दिया। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग लेते हैं मान लीजिए ए, ओके, हम लोग ए लेते हैं। अब ए क्या है, एक कैरेक्टर है। अब ये कैरेक्टर जो है, इसका कुछ ना कुछ ASCII कोड होगा। ये क्या ASCII कोड, क्या है, कैपिटल ए का 65, ठीक है। तो एक्स में क्या स्टोर हो रहा होगा, 65। हम लोग वेरिएबल में हमें पी, इंट और एक्स, अब पी का वैल्यू देखते हैं क्या आता है, इट्स 65। समझ में आ रहा है कि कैसे चीज़ें इंटर रिलेट हो रही हैं, कि बेसिकली आपको ये समझना है कैरेक्टर सिर्फ 0 से 127 है, डेट्स इट, और कुछ भी नहीं। बाद बाकी हम लोग फिर इंटीजर मानेंगे एंड उसको फिर डेटा टाइप ऐसे कन्वर्ट करेंगे और फिर सी आउट कर देंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।